सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्लीज वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 5, एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। It has taken from the subject social science geography, and we will learn and understand the topic our country India part 3 in this worksheet. So students, आपकी textbook में ये lesson number 2 है जिसका नाम है physical features of India. तो आप वहाँ से भी इसको और अच्छे से समझ सकते हैं. So without wasting our time, let's start and understand with me. As you all know कि last worksheet में भी हमने इंडिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस को जाना था, जैसे कि वहाँ उसके बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसके 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो आज इससे आगे कुछ और उसके फिज़िकल फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। सो देखते हैं व्हाट आर द फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट ज्योग्राफिकल एक्सपेंस, यानी इंडिया जो है वो बहुत ही ज्योग्राफिकली बहुत फैला हुआ है। इन द नॉर्थ, अब हम नॉर्थ की बात करेंगे, यानी अगर हम सामने से देखें तो सबसे टॉप की तरफ। इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लोफ्टी हिमालयास, नॉर्थ में ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे पर्वतों से, बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन से पूरा घिरा हुआ है। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, जो पूरा हिमालयन माउंटेन्स हैं उनको हमने 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइड कर रखा है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज़ द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री, जो सबसे नॉर्थ की तरफ है उसको हम ग्रेट हिमालय हिमाद्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पूरे ईयर ये स्नो से कवर्ड रहते हैं, इसलिए इसका नाम हिमाद्री है। द वर्ल्ड्स हाइएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, इस पूरे जो पार्ट में वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक यहाँ पर लोकेटेड है, जिसमें आपको याद है, आपको पता भी होगा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8,848 मीटर्स। देन मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, यानी हिमाद्री से जस्ट नीचे मिडिल हिमालय या हिमाचल वाला पार्ट है। मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हेयर, जस्ट लाइक शिमला और कुल्लू, ये सारी चीज़ें, कुल्लू तो नहीं, शिमला है। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशंस, आप जान सकते हैं कि वहाँ पे कौन से 5 स्टेशंस हैं। द शिवालिक इज़ द सदर्न मोस्ट रेंजेस, फिर उसके नीचे आता शिवालिक, जिसमें बहुत सारी कुछ घाटियाँ भी हैं। देन द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालयस, फिर जब जैसे ही हम थोड़ा सा साउथ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स आते हैं। मैं आपको एक बार बता दूँ, ये सारी चीज़ें जो अभी हम समझ रहे हैं इसको हम मैप के थ्रू भी अंडरस्टैंड करेंगे। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये बहुत ही ज़्यादा समतल हैं जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जब हम वेस्ट साइड की बात करेंगे इसके तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जो कि जिसका नाम थार डेजर्ट भी है। इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, इस ये जो ज़मीन है ये बिल्कुल ड्राई है, हॉट है और सैंडी है, यानी रेत ही रेत है। टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन लाइज द पेनिसुलर प्लेट्यू, फिर जब हम नॉर्दर्न प्लेन से भी साउथ की तरफ और आते हैं तो हमें मिलता है पेनिसुलर प्लेट्यू, ये पार्ट, इसको हम पेनिसुलर प्लेट्यू कहते हैं। इट इज़ अ ट्राइंगुलर इन शेप, याद रखिएगा ये ट्राइंगुलर शेप का है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन, जो ये पार्ट है ये बहुत ज़्यादा अनइवन है, कहीं बहुत ऊंचा है कहीं बहुत नीचा है। दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, ये जो पार्ट है यहाँ पर बहुत सारी हिल रेंजेस भी हैं, वैलीज भी हैं, घाटियाँ भी हैं। इसमें एक जो हिल्स हैं वो हैं अरावली हिल्स, जो कि राजस्थान की तरफ है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, अरावली हिल्स जो है मैंने आपको जैसे बताया कि वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, यानी राजस्थान की तरफ है। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर इम्पॉर्टेंट रेंजेस, फिर मध्य प्रदेश की तरफ जब हम आते हैं तो विंध्या और सतपुरा वाली रेंजेस हैं। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, इन रेंजेस के थ्रू नर्मदा और तापी जो रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन दैट ड्रेन इन टू द अरेबियन सी,
और इनको हम वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कहते हैं जो कि अरेबियन सी में जाके मिलती हैं, और बाकी जो सारी रिवर्स हैं, ज़्यादातर जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती हैं, ड्रेन हो जाती हैं। फिर इसके बाद हैं द वेस्टर्न घाट्स और सहयाद्रीज, नाम याद रखिएगा, द वेस्टर्न घाट्स और सहयाद्री बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। ये जो पेनिसुलर प्लेट्यू है ये आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बोला है ट्रायंगुलर शेप का है, तो जो वेस्ट साइड का जो पार्ट है उसको हम वेस्टर्न घाट्स या सहयाद्री बॉर्डर कहते हैं, और जो ईस्ट की तरफ है उसको हम ईस्टर्न घाट्स कहते हैं, और ये ईस्टर्न बाउंड्री को फॉर्म करता है। इस तरह से इंडिया की वेस्ट बाउंड्री और ईस्ट बाउंड्री बनती है। वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूअस, जबकि जो वेस्टर्न घाट हैं वो ज़्यादातर एक जैसे ही हैं, यानी ऊँचे हैं। एंड द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोकन एंड अनइवन, जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अनइवन हैं, कहीं बहुत ऊँचे हैं कहीं बहुत नीचा है। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। तो देखिए, वेस्टर्न घाट के पास वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है और ईस्टर्न घाट के पास ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन का मतलब वो एरिया जो कि सी के नियरेस्ट होता है। देन टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ इंडिया। आपको बताऊँ, इंडिया के जो आइलैंड्स हैं वो भी इंडिया के जो टू आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं वो भी इंडिया का ही पार्ट है। फर्स्ट इज लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में जो लोकेटेड है उनका नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स। दीज आर द कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, यानी ये केरला के कोस्ट के पास, केरला के तट के पास वो हैं। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड्स लाई टू द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, और बे ऑफ बंगाल के पास इंडियन जो निकोबार, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं वो पड़ते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड थ्रू दिस मैप ऑफ इंडिया। ये मैप आपको आपकी टेक्स्ट बुक में लेसन नंबर 2 में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमने नॉर्थ साइड का पढ़ा था, दिस साइड इज नॉर्थ, तो यहाँ पर हिमालय रेंजेस हैं, हिमालयन माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। इसको हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं। देन मिडिल हिमालय, दिस पार्ट इज कॉल्ड मिडिल हिमालय एंड दिस वन इज शिवालिक। ओके, तो इस तरह से हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। जब हम इससे साउथ की तरफ आते हैं, यानी नीचे की तरफ आते हैं, दिस एरिया इज कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये फ्लैट है। फिर अभी हमने उसमें बात की थी कि जो उसका वेस्ट साइड है यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट, थार। देन जो इसके बाद पार्ट है, अगर हम नॉर्दर्न प्लेन से, ये नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन, इससे हम साउथ की तरफ आते हैं, इसका नाम है पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्लेट्यू। ये ट्राइंगुलर शेप का है, याद रखिएगा ये ट्राइंगुलर शेप का है, और हमने इसमें बात की थी, ये जो है अरावली रेंजेस। फिर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे मैंने आपको बताया, दिस पार्ट इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट GHAT घाट, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने बात की थी अरेबियन सी, यहाँ पर ये जो आइलैंड्स हैं ये हैं लक्षद्वीप और बे ऑफ बंगाल जो कि यहाँ पर है, ये हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, तो ये भी इंडिया का ही पार्ट है। क्वेश्चन नंबर वन इज व्हाट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस कॉल्ड। तो ये तो हमने अभी समझा ही था, उसको हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। सेकेंड इज व्हाट इज द शेप ऑफ पेनिसुलर प्लेट्यू। अभी आपने आपको मैंने समझाया पेनिसुलर प्लेट्यू की शेप क्या है, ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर शेप। थर्ड इज विच वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू द विंध्यास एंड सतपुरा रेंजेस। कौन सी टू रिवर्स की बात हमने की थी, नर्मदा एंड तापी रिवर। फोर्थ इज व्हाई आर लक्षद्वीप आइलैंड्स आर कोरल आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स को हम कोरल आइलैंड्स क्यों कहते हैं, इसका रीजन मैं आपको शो कर रहा हूं। सो द आंसर इज द आइलैंड, यहां पे आप आंसर लिख लीजिएगा, द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज नोन एज कोरल आइलैंड्स बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं, विच आर द स्केलेटन्स ऑफ स्मॉल मरीन एनिमल्स कॉल्ड पोलिप्स। जो छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, उनके स्केलेटन्स जिनको हम पोलिप्स कहते हैं, ये उनसे बना हुआ है। दे राइज हायर एंड हायर, ये फिर ऊंचे ऊंचे होते जाते हैं, दस फॉर्म कोरल आइलैंड्स, और इनसे फिर कोरल आइलैंड्स बनते हैं। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन, वॉट आर द वेस्टर्न घाट्स ऑल्सो कॉल्ड। वेस्टर्न घाट्स को और क्या कहते हैं, सहयाद्री, सहयाद्री। एंड द लास्ट वन इज व्हाट इज द ड्राई एंड हॉट लैंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया कॉल्ड। मैंने आपको समझाया था राजस्थान में, दिस इज कॉल्ड थार डेजर्ट, थार डेजर्ट। मैं इसकी स्पेलिंग दोबारा लिख देता हूं आपको, थार डेजर्ट। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से 50K तक पहुँचा दीजिए। और याद रखिएगा कोरोना अभी भी स्प्रेड हो रहा है, देन जब भी आप बाहर जाएँ मास्क जरूर पहन के जाएँ और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएँ, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।